आप देखिए उनको निकाल कर देखिए, जितने भी गौरक्ष के दुर्गा शहर के अंदर पूरे रोड़ी छिपे हैं, पूरे गुंडे हैं, हथियार रख लेकर वहां पर गाड़िया को रोकते हैं, घरों के अंदर घुसते हैं, किधर हर जगह घुसते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कुछ पुलिस ऑफिसर अपने स्टेटस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो रख रहे थे, आप नहीं रख सकते। पर सनसेट सनराइज के दौरान किसी के घर में नहीं जा सकते, पुलिस डिपार्टमेंट ये लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ, इट इज लॉ। जितने भी जानवर वो खेत में से जो जब्त करे हैं उसको रिलीज करना, कानून हमारे जो राइट है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको वर्दी दी है, आप हमारी हिफाजत करना होगा, हमारे साथ लाइन सच नहीं हो रहा। अगर खेत में अगर रखते हैं तो कैसे साबित होते हैं, लोग काटने के लिए ही खेत में रखने बोलते हैं, समझ किसी के घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल झांक रहे हैं, खासतौर पर मैं रोजा पुलिस स्टेशन में कहना चाहता हूँ, रात के 12 बजे 1 बजे घरों के अंदर जाते हैं, दूसरे मोमिनपुरे के अंदर भी जा रहे हैं, सर्कल सब मौजूद है मोमिनपुरे के भी, चौक पुलिस स्टेशन के वहां पर भी घरों के अंदर झांक रहे हैं, रात के 12 बजे झांकना ठीक नहीं, जमीन के मिल में भी वहां पर झांक रहे हैं, वो गुंडे हैं, रावड़ी शूटर है, वो लोग रावड़ी शूटर है, वहां पर दादागिरी कर रहे हैं, वो लोग हर जगह पर कहीं पर भी घुस जाते हैं, उनको लाइसेंस कैसे दिया जाता है, वो लोग कानून के हाथ में कैसे अपने आप को पुलिस समझ रहे हैं, वो गौरक्ष के नाम पे अपने आप को पुलिस समझ रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही उनकी तरफ से, वो लोग कैसे जा सकते किसी के भी घर के अंदर। हम यहाँ गुलबर्गा के तमाम तकरीबन सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद है, आपके पुलिस स्टेशन के तहत ही, आपके पुलिस स्टेशन के तहत ही कुछ कांस्टेबल घरों के अंदर जाकर झांक झांक कर देखने, ये गलत है, जो भी रात के 12 सनसेट होने के बाद सनराइज के दौरान किसी के घर में दाखिल नहीं करना, वहाँ पर लेडीज होते हैं, बच्चे होते हैं, अपेंशन नरम है, रेसिडेंट एक सिटीजन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप पुलिस ऑफिसर है, हमारे फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन आप करना, आपका सनसेट सनराइज के दौरान किसी के घर में नहीं जा सकते, पुलिस डिपार्टमेंट ये लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ, इट इज लॉ, ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये सेक्शन फाइव और कर्नाटका काउ स्लॉटर एक्ट के मुताबिक आप स्वाट सेक्शन फाइव से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल रिस्ट्रिक्शन है, उसके तहत अगर खेत के अगर अलग जानवर अगर रखते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, खेत है वो एग्रीकल्चर लैंड है, इस एग्रीकल्चर लैंड एक्ट क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई वहां पर ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये घर नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, अपना खुद का जिरात करने वाली वहां से जानवरों को ले जाती है, ये इलीगल गैर कानूनी। यहाँ पर हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक के अंदर मैटर पेंडिंग है, वहां पर हाईकोर्ट ने फर्स्ट स्टे ऑर्डर दिया है, वहां पर स्टे देने के बाद में क्या हो गया, रूल्स बने उसके, कैटल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स बन गए, कैटल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के मुताबिक वो प्रोसीजर है उसके अंदर, वो प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं तो उसको भी ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर रखे हुए हैं वहां से ले जाना ये इलीगल है, वो जितने भी जानवर वो खेत में से जो जब्त करे हैं उसको रिलीज करना, आप देखिए एक्ट पड़ी है उसके अंदर, कर्नाटक का कैटल्स एक्ट भी पड़ी है, कैटल्स ट्रांसपोर्टेशन रूल्स भी पड़ी है, ये कहीं पर भी ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता, व्हाट द पर्पस ऑफ स्लॉटर बोले तो कैसा प्रूव करेंगे आप, हाउ यू विल प्रूव स्लॉटर, जानवर कोई भी ले जाते काटने के लिए लेकर जाते बोलते कैसे साबित करेंगे, अगर खेत में अगर रखते हैं तो कैसे साबित होते हैं, लोग काटने के लिए ही खेत में रखने बोलते कैसा मान, एक्ट ही वही बोलता है रिस्ट्रिक्शन, ऐसे जानवरों को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे जानवर को स्लॉटर पर्पस के लिए अगर रखें तो नहीं आता, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आप लोग हमारे लिए हैं, हमारे पब्लिक के लिए हैं, हमारे तहफुज के लिए, हमारे कानून हमारे जो राइट है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको वर्दी दी है, आप हमारी हिफाजत करना होगा, हमारे साथ लाइन सब नहीं होगा, हमारे साथ इंसाफ होना, हम उसके लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने आए, होता है अगर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं आपका प्रोविजन कहता है, आपका लॉ कहता है उसको अरेस्ट करना है, वो ठीक है, लेकिन रात में अगर आप डायरेक्शन दीजिए तमाम पुलिस स्टेशन में, किसी के घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, कांस्टेबल झांक रहे हैं, खासतौर पर मैं रोजा पुलिस स्टेशन में कहना चाहता हूँ, रात के 12 बजे 1 बजे घरों के अंदर जाते हैं, दूसरे मोमिनपुरे के अंदर भी जा रहे हैं, सर्कल सब मौजूद है मोमिनपुरे के भी, चौक पुलिस स्टेशन के वहां पर भी घरों के अंदर झांक रहे हैं, रात के 12 बजे झांकना ठीक नहीं है, जमीन के मिल में भी वहां पर झांक रहे हैं, मेरे को फोन आ रहे हैं, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे को फोन करते हैं लोग सब, हमारे रात में सब कांस्टेबल आकर मुझे झांक, ठीक है देखेंगे मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ, समझाना ही पड़ता हूँ,
तो यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस सेना की जानिब से, 14 को साबर है ना अलग एडीजी के साथ, उनसे भी हम मुतालिबा कर रहे हैं, आप लोग कीजिए, हम तो ये नहीं, आप काम कीजिए, आप हमारे लिए हैं, हमारे पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्वेंट हैं आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि माहौल यहाँ पर खराब नहीं होना। कुछ गौरक्षक अपने नाम अपने आप को गौरक्षक बोल रहे हैं, बोलो वो गुंडे हैं, राउडी शूटर हैं, बोलो वो लोग लोडी शीटर है, वहां पर दादागिरी कर रहे हैं, वो लोग हर जगह पर कहीं पर भी घुस जाते हैं, उनको लाइसेंस कैसे दिया जाता है, वो लोग कानून के हाथ में कैसे अपने आप को पुलिस समझ रहे हैं, वो गौरक्षक के नाम पे अपने आप को पुलिस समझ रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही उनकी तरफ से, वो लोग कैसे जा सकते किसी के विधि के अंदर, आप देखिए उनको निकाल कर देखिए, जितने भी गौरक्षक है दोबरगा शहर के अंदर वो पूरे लोडी शीटर है, पूरे गुंडे हैं, हथियार रख लेकर वहां पर गाड़ियों को रोकते हैं, घरों के अंदर घुसते हैं, किधर हर जगह घुसते हैं, हम पुलिस है, हम पुलिस हमको इजाजत देता है, लॉ है हमारे पास, एक्ट है, रजिस्टर्ड एनजीओ अगर है तो ही वहाँ पर एंटर कर, यहाँ पर उनको भी देखिए, वो भी देखिए, जितने भी सोकाल जो गौरक्षक हैं वो लोगों को भी देखिए, वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, अपने आप को पुलिस ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग समझ कर वो काम कर रहे हैं, उनको भी देखिए, और अमन शहर गुलबर्गा एक अमन का शहर है, यहाँ तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये साल कुछ गड़बड़ हुआ, मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ पुलिस ऑफिसर अपने स्टेटस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो रख रहे थे, आप नहीं रख सकते, देखिए वो भी देखिए अपने पर्सनल नंबर पे पुलिस ऑफिसर है, बूट पर ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोगों से आप लोगों से गुजारिश करता है कि यहाँ पर आवाम गरीब लोग हैं, गरीब लोग यहाँ पर उनको टॉर्चर नहीं करना है, पहले तो बहुत परेशान थे लॉकडाउन से, हम अभी जस्ट बाहर निकले, अभी जस्ट हम बाहर निकले हैं, तो ऐसे सिचुएशन पर अगर ऐसे हालत अगर ये होंगे तो बहुत मुश्किल होगा।